International news and information. This is BBC World. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमादर फादर, स्टूडेंट ऑफ मुस्लिम लॉ कॉलेज रावलपिंडी। आज टीम परवाज के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज के सूरत हाल की पेश नज़र हम कोविड-19 जो एक वबा है पूरी दुनिया को मुतासर करके रखा है उस पर डिस्कशन करेंगे और मालूम का तबादला करेंगे। हम देखते हैं कि किस तरह कोविड-19 ने जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमिकल लॉस किया है और बहुत ज्यादा मुतासर करके रखा, जिंदगी को गर्म बरम करके रखा। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। दुनिया में तकरीबन 6.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 से मुतासर हुए, लेकिन 4 लाख लोग ऐसे हैं जो डेथ केसेस में शुमार हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 85,000 लोग ऐसे हैं जो डेथ केसेस में शुमार हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि 30,000 लोगों ने रिकवर भी किया। अब हम बात करते हैं वो सेक्टर जो कोविड-19 से बहुत ज्यादा मुतासर हुए, उनमें ट्रैवल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर और सबसे बढ़कर वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एजुकेशन सेक्टर। क्योंकि मैं खुद एजुकेशनल सोसाइटी, एजुकेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और एज ए स्टूडेंट आज हम वो सारी डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि PSLM पाकिस्तान सोशल लिंक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स 2019 के मुताबिक पाकिस्तान की लिटरेसी रेट क्या है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 2019 के मुताबिक 55.3 था, जिसमें पंजाब और KPK का नुमाया किरदार था। सिंध और बलोचिस्तान को देखा जाए तो वो नाकस कारकर्दगी का शिकार नहीं है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो बलोचिस्तान 54 से 55 पर गया है, सिंध 63 से 62 पर आ गए। हम वो वजूहत भी डिस्कस करेंगे कि किन वजूहत की बना पर ये पीछे आया है और क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और सोल्यूशन भी आज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम को देखते हुए हम कहना चाहेंगे इस हवाले से और मुताला करते हैं हुकूमत से और आवाम से कि क्या वजह है कि हम एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। एजुकेशन को हमने बिजनेस बना दिया, तालीम का वो मयार नहीं रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एलीट क्लास जो भी है अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को आम की तरह चूस रही है, ये एक आपके लिए सवालिया निशान है। क्या एक आम गरीब माँ बाप का बच्चा एक एलीट क्लास और अपर क्लास और मायारी तालीमी निजाम में एडमिशन ले सकता है? जरा सोचिए, क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया जो भी आपने सेट किए। उस हवाले से मैं कहना चाहूंगा एरोनॉटिक्स में आप पायलट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट, फूड इंडस्ट्रियलिस्ट को, मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल इंडस्ट्रियलिस्ट को और लॉयर जो एडवोकेसी करते हैं उनके लिए और जितने भी दीगर हजरात हैं प्रोफेशनलिस्ट हैं उनके लिए आपने लाइसेंस मुख्तस किए हैं, लाइसेंस होल्डर्स लाजमी हैं। क्या आप नहीं समझते कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है टीचर्स के लिए जो ट्यूटर्स हैं हमारे लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइसेंस होल्डर्स होना चाहिए? मेरे ख्याल से उस्ताद अच्छा होगा, शागिर्द अच्छा होगा, माशरा अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें, अगला जो हमारा मुतालबा है, मेरे से पहले बहुत सारे साहबियों ने, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट कम्युनिटी ने, बहुत सारे पर्सन इस हवाले से बात की है, लेकिन मैं कोविड-19 को रेफरेंस में रखते हुए इस हवाले से डिस्कशन करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से एक ब्लेंडेड निजाम आना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ब्लेंडेड निजाम क्या है। ब्लेंडेड निजाम एक ऐसा निजाम है जहाँ एक क्लास हो रही हो एट ए टाइम 10 से 15 और वहां पर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हो जो लाइव कवरेज दे आप और कोई स्टूडेंट कुछ वजूहत की बना पर अगर वहां पर नहीं आ सके तो कहीं पर भी बैठ के वो रिकॉर्डिंग्स देख सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ना बिल्डिंग्स, ना स्ट्रक्चर, ना लॉजिस्टिक्स हमें प्रोवाइड की जाती है। आप जाकर देखें ना भाई इलाकों में बच्चे खुले आसमान तले जमीन पर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पहलू पर भी रोशनी डालें। हम आगे करिकुलम और मीडियम में बात करेंगे। मैं HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर स्पेशली नोटिस लें और जरा ध्यान दें कि हमारे करिकुलम में क्या चेंजिंग्स करने की जरूरत है।
मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या चीज है? हमारा लिटरेचर जो है वो मीडियम इंग्लिश में है, उर्दू में है, अरेबिक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मौजूद है। स्टूडेंट्स को आपने कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज में आपने सीखना है, सिखाना है। कोई एक लैंग्वेज आप प्लीज सिलेक्ट कर लें ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो और टीचर्स के लिए भी आसानी हो, सीखना और सिखाना दोनों आसान हो। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आज से पहले, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की। इस्लाम ने बहुत ज्यादा जोर दिया इस पे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कोई फर्क नहीं है, उसके लिए इल्म लाजमी है, उस पर फर्ज कर दिया गया है। लेकिन हम अपने लोगों को इस तफर्के में रखते हैं और लोगों को कंफ्यूज करके रखते हैं कि लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, चाहे वो खातीन हो या मर्द हो, उनको पीछे रोक कर रखते हैं। तो इस चीज से खुद भी बचें और दूसरों को भी रोकें। मैं अब बात करना चाहूंगा रीजनल डिस्पैरिटी के हवाले से। हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं गिलगित बल्तिस्तान से, खास तौर पर उन्होंने हमें कहा है कि इस हवाले से मेंशन कीजिएगा। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। COVID-19 हमारी एक ट्रेनिंग है एक किस्म का कि आप कोई भी इशू आ जाता है उसमें आप एजुकेशन को, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे लेके चलते हैं। अब कुछ रीजन्स ऐसे हैं, जैसे हम रूरल एरियाज को ले लेते हैं, वहां पे ना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट है, ना इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, वहां फैसिलिटीज मौजूद ही नहीं है, वहां नेट की फैसिलिटी है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लिसनिंग प्रॉब्लम्स हैं, इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल इंटरेक्शन प्रॉब्लम है, क्वेश्चनिंग प्रॉब्लम है, हम किसी से टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान और बहुत सारे इलाकों पर तवज्जो देने की जरूरत है। हम अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है वो 2018 से पीछे 30 बिलियन था, अब 2018 से 2019 में 35.8 बिलियन कर दिया गया। अब क्या वजह हुई कि बाकी ममालिक में एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम, क्योंकि ये आपका ग्रास रूट लेवल होता है, जिसमें जितना मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना मैक्सिमम आपका आउटपुट होगा। आप इसमें 2019 से 2020 में आपने 28.64 बिलियन कर दिया। मैं जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनसे पूछना चाहूंगा, इस हवाले से क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या वजह हुई, क्या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्टेट। लास्ट मैं जितने भी रिस्पॉन्सिबल हजरात हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, सीएम पंजाब उस्मान गुलजार साहब, और हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन साहिबा, और एजुकेशन मिनिस्टर शिफकत महमूद साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रमोशन करें या उसमें बहस करें तो प्लीज वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है उनको भी नजरअसानी करें, उनकी भी फीस माफी, रिफंड फीस, हमारे जो है ट्रेनिंग चल रही है उनको नजरअंदाज मत करें, उन पर ध्यान दें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हवाले से बहुत ज्यादा वर्किंग भी की, बहुत ज्यादा सोचा भी, और आपसे इल्तमास है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना मैक्सिमम इनपुट हो सकता है ताकि पाकिस्तान को मैक्सिमम जितना हो सकता है आउटपुट मिल सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।